नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र पर, और महाराष्ट्र में भी ऐसे लोगों पर बात करेंगे जो एक्चुअल में महाराष्ट्र के तो नहीं हैं, पर महाराष्ट्र में आकर के अपने पैर जमाना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी अखिलेश यादव, मायावती नहीं, एक और ऐसे ही व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं महाराष्ट्र में पैर जमाने की। ज़रा याद करिए, उद्धव ठाकरे से शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई आए थे, छतरी वतरी लगा करके लंच वंच किया था, कैमरों में वो आना चाहते थे, अपनी चर्चा कराना चाहते थे महाराष्ट्र में, KCR कौन है, क्यों आए हैं। तब मकसद बताया गया था कि विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता के लिए वो प्रयास बस उसी फ्रेम तक सीमित रहे, उसके आगे उन्होंने कभी प्रयास किया नहीं, जिस तरीके से नीतीश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हालत क्या है? मैं और औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, जिसको अब संभाजी नगर बोलते हैं, वहाँ आया, और जब मैं सड़कों पर जा रहा था एक से दूसरी जगह पे, तो सड़कों के दोनों तरफ KCR के फ़ोटो अटे पड़े हैं, अब की बार किसान सरकार। तो समझ में आता है कि ये KCR चाहते क्या हैं। अब मैंने मालूम किया कि भाई यहाँ से तेलंगाना कितनी दूर है, हैदराबाद कितनी दूर है, और महाराष्ट्र में अचानक इनकी इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो जिनके नहीं मिले हैं, उनके जवाब लेने के लिए ही मैं इस समय हूँ सुशील कुलकर्णी के साथ, जो महाराष्ट्र के बहुत ही माहीन जानकार हैं यहाँ की पॉलिटिक्स के, और आपका तो जाना पहचाना चेहरा है महाराष्ट्र में, इस समय उनका चैनल खूब देखा जाता है। सुशील जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये बताइए, ये KCR को क्या हुआ है? कोई गलतफहमी हुई है? कोई उनको स्पार्क होते हुए दिखाई दे रहा है, या ज़मीन पर कुछ इस तरह के संकेत उनको मिले? हालांकि ज़मीन पर तो वो अभी उतरे भी नहीं होंगे, आकर के यहाँ पे लोगों के बीच गए भी नहीं होंगे, सभाएं या उस तरीके से इंटरेक्शन किया भी नहीं होगा, पर उनके पोस्टर तो ऐसा लग रहे हैं जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में हमें सिनेमेटिक एक तौर तरीका दिखाई देता है वहाँ के पॉलिटिशियन का, कि बहुत बड़े बड़े आकार के आप पोस्टर लगा दीजिए और रातों रात जो है आप छाने की कोशिश करिए। इसके पीछे की मानसिकता क्या है और इनका इरादा क्या है? कुछ नहीं, दो चीज़ें हैं, एक है अहम और एक है वहम। अहम ये है कि मैं जो तेलंगाना में कर सका, अपनी सत्ता ला सका, ये देश के किसी भी राज्य में कर सकता हूँ, बात किसानों की कर। वहम ये है, मतलब अहम वाली बात तो अहंकार वाली बात तो है, और वहम ये है कि लोग मेरे पीछे तेलंगाना की तरह ही आ सकते हैं। TRS को BRS बनाकर उसी अपनी छवि को पूरे देश में वो कर सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। इसी अहम और वहम के कारण KCR महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक बात इसमें और जोड़ देता हूँ कि महाराष्ट्र में चाहे KCR को यश मिले ना मिले, उनको 4-5% वोट पाने हैं। ये पाना है तो KCR को कुछ ना कुछ तो लेकर आना पड़ेगा। मैं बता दूं, जिन राजनीतिक नेताओं की उम्र अब VRS की हो गई है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में वो आ चुके हैं, उनको BRS में लेकर उसी 5% वोट के लिए KCR अभी ट्राई कर रहे हैं। और एक मुद्दा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रंजक है, आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि क्यों आए हैं KCR, क्यों आपको औरंगाबाद में या ऐसे शहरों में छत्रपति संभाजी नगर में ये दिख रहा है। अहम और वहम, यही दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं, आप किसान की बात कर रहे हैं, और KCR ने भी अपने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें किसान शब्द को हाईलाइट किया है,
अब की बार किसान सरकार। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेलंगाना के किसानों को क्या ये पूरी तरीके से संतुष्ट कर चुके हैं या गरीबी से लाचारी से उबार चुके हैं, वहाँ के किसान क्या अब संपन्न हो चुके हैं। और दूसरे, महाराष्ट्र में आकर के, भले ही ये सीमावर्ती इलाका है तेलंगाना का, आंध्रा का, यहाँ आकर के किसानों को जो वो लुभाने की, लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? एक सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो नया लेकर के आओ। मतलब जैसे आम आदमी पार्टी लेकर के आई कि हम शिक्षा को अच्छा करेंगे, हम राजनीति को साफ सुथरा कर देंगे, ये वाली बात लेकर आम आदमी पार्टी आई। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में अगर कोई पार्टी पनपी है तो महाराष्ट्र की पनपी है, दूसरी कोई पार्टी पनपी नहीं है। या महाराष्ट्र की पार्टी कोई बाहर जाके बड़ा खेल नहीं दिखा पाई है। शरद पवार ने पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी लिखा, लेकिन वो बन चुकी है महाराष्ट्रवादी, महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्रवादी। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों को वो काम करने का मौका नहीं मिला है। वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद पेशवा वही कर पाए कि जाके दिल्ली पर जाके राज कर सके, लेकिन बाकी कोई राजनीतिक दल ये नहीं कर पाया है। किसानों की बात वो इसलिए लेकर के आए हैं कि कुछ नए बांध केसीआर ने बनवाए, कुछ ऐसी स्कीमें किसानों के लिए दी जिससे ट्रैक्टर मिल सके, वो खेती के काम आसानी से कर सके, बिजली वाला काम उन्होंने किया है। और वही बात महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में भाती है। बता दूं, एक फर्क समझ लेना चाहिए, राज्य के पंजाब में, देश के पंजाब राज्य में, या हरियाणा में जहाँ से आप आते हो, या हिमाचल या तेलंगाना, मतलब सीधा उत्तर से दक्षिण लेके आता हूँ मैं आपको, इन राज्यों की जनसंख्या और महाराष्ट्र की जनसंख्या में एक महद अंतर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या को छोड़ दीजिए, तेलंगाना में जितनी किसानों की संख्या, जनसंख्या है, उतनी महाराष्ट्र में जनसंख्या किसानों की संख्या है। टोटल आबादी और किसानों की संख्या ये बराबर होती है, क्यों 15 करोड़ के आगे तो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है और 1.5-2 करोड़ तो यहाँ पे किसान फैमिलीज है, इससे ज्यादा है, उतनी तो आबादी है तेलंगाना की। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो आप करते हो वो ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल, और यही एक चीज लेकर के किसानों को लुभाने के लिए ये आए हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि किसानों का मामला अगर सामने किया जाए तो हो सकता है कि लोग अपने साथ आ जाए। और ये फ्री वाला मामला, फ्री बिजली, फ्री पानी, अरे फ्री की बात आप कर रहे हो, पानी है कहाँ जो आप फ्री दोगे? जो नहीं है वो चीज़ें फ्री घोषित करने में जाता क्या है? फ्री बिजली घोषित करोगे, वैसे ही अगर आप महावितरण, हमारे यहाँ जो कंपनी बनी है, उसके बिलिंग का अगर साइकिल आप देखो तो बिल का भुगतान भी नहीं हुआ है, वैसे ही फ्री ही समझी जाती है। लेकिन ये साले रेवड़ी वाले जो सारे के सारे नुस्खे है वो लेके के यहाँ पर आए हैं, यही बात है कि उनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। अभी अजीत पवार का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ तो मायावती भी आई हैं, यहाँ तो जब मुलायम सिंह यादव थे तो वो भी, उन्होंने भी प्रयास किया था, कुछ और दलों ने भी अतीत में यहाँ आकर के प्रयास किया, लेकिन किसी की दाल नहीं गली। मैं देख रहा हूँ हैदराबाद की राजनीति करने वाले और हैदराबाद तक ही सीमित रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी, वो भी मुंबई से लेकर के और यहाँ संभाजीनगर तक लगातार प्रयास करते रहे हैं। और इसको संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, कि 2019 में उनका कैंडिडेट जो है वो संभाजीनगर से चुनकर आ भी गया। तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए तो इसमें ये कॉलर खड़े करते हैं और फिर अपना पैसा जो है पानी की तरह बहाते हैं, लोगों का समर्थन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है कि जो ये फ्री फ्री की राजनीति है, क्या ये सिरे चढ़ पाएगी? और नंबर दो, ये जो फ्री फ्री की पॉलिटिक्स है, क्या ये राज्यों की राजनीति को दूषित और प्रदूषित नहीं कर रही है? क्योंकि होता क्या है कि जो उस राज्य के जिनका बेस है, वो जो दल हैं, वो जो नेता हैं,
वो तो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं कि भाई फ्री में ये ले लीजिए, फ्री में ये ले लीजिए, आप हमें वोट दीजिए। महाराष्ट्र में भी मैं देख रहा हूँ, ना ये रोग यहाँ के राजनीतिक दलों को रहा है, ना यहाँ के मतदाताओं को रहा है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल टाइप या चंद्रशेखर राव केसी आर जो है, ये आते हैं और ये फ्री फ्री की बात करते हैं, केवल इसलिए कि क्योंकि इनका यहाँ बेस नहीं है तो अपना बेस इस तरीके से बनाना चाहते हैं। बहुत ही दो बातें इसमें आपने कही है, उसमें से पहली बात का राजनीतिक जो अजीत पवार का रेफरेंस दे के आपने बोला था कि अजीत पवार ने कहा है कि यहाँ कोई पार्टी पनपी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ट्राई किया, बस एक ही विधायक मुंबई से उनका चुन के आ सकता है, एक या दो, बस उसके आगे नहीं जाता है। हम मायावती की बात करते हैं तो मायावती को कतई यश नहीं मिला है, ना आम आदमी पार्टी को कभी यहाँ पर लक्षणीय यश प्राप्त हुआ है। मतलब कहीं सेकंड पोजीशन पे है, कहीं थर्ड पोजीशन पे है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ है। ना विधायक, ना सांसद, ना पार्षद, किसी भी लेवल पे आम आदमी पार्टी को यह यश नहीं मिला है। यहाँ तक कि जोड़ तोड़ करके भी बाहर के लोगों को साथ जोड़कर प्रकाश आम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी बना ली, उसको भी कोई यश नहीं मिला है। एक दो जगह पर वो सेकंड पोजीशन पे रहे, लेकिन उतना बड़ा यश उसको नहीं कहा जाता। अब जो छत्रपति संभाजी नगर की सीट पर ओवैसी के पार्टी के इम्तियाज जलील जो चुन के आए, और धुलिया से एक विधायक आए, मुंबई से एक विधायक आए, इन तीनों का यश यमायम का यश माना जाए तो आपको ये कारण मिल जाता है, लिंक मिल जाती है आपको कि क्यों आ रहे हैं केसीआर। आपने कहा कि हैदराबाद की पार्टी और हैदराबाद के सीमित ही पार्टी, जो हैदराबाद के लिए गले की हड्डी बन चुकी है केसीआर के लिए। बिल्कुल। अब इस पार्टी को रोकना है तो जाकर जहां जहां एआईएमआईएम अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वहां वहां जाके केसीआर उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केसीआर के साथ जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो एआईएमआईएम से त्रस्त है या मुसलमान है। दलित मुस्लिम की राजनीति करते हुए केसीआर यहां पर आए हैं, और छत्रपति संभाजी नगर में आपको बड़े पोस्टर दिखेंगे, अहमदनगर के रास्ते पे आपको बड़े, जिसका नाम अभी अहिल्यानगर किया गया है, उसमें आपको बड़े पोस्टर दिखेंगे। आप मुंबई में जाओगे तो वहां पर भी आपको थाने या उनके जो विधायक चुनकर आते हैं वहां पर दिखेंगे। नासिक में आपको दिखेंगे क्योंकि वहीं से एक विधायक आता है। नांदेड़ में आपको दिखेगा क्योंकि नांदेड़ में एआईएमआईएम ने बड़ी अच्छी सफलता हासिल की है लोकल नगर निगम के चुनाव में। जहां जहां एआईएमआईएम अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है या जहां जहां वो पैर जमाने की कोशिश कर सकते हैं, मुस्लिम आबादी का जो जहां पे 15% से अधिक हिस्सा है, जी जी, वहां पे जाकर ये अपने पैर जमा रहे हैं। असल में इनका उद्देश्य महाराष्ट्र की राजनीति में पैर जमाने से ज्यादा है कि ओवैसी का ध्यान हैदराबाद से थोड़ा सा हटे बटे और वो महाराष्ट्र में जाए। ये अपने शत्रु को कमजोर करने की पहली क्रिया है और इसीलिए वो अन्य को भी साथ लेकर अपना गढ़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाले आपके पहले सवाल का जवाब है। जी जी। दूसरा आपने जो पूछा था कि क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये फ्री वाला चस्का नहीं है, क्या हो सकता है कि महाराष्ट्र इसमें बलि चढ़ जाए या कह दे कि नहीं चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में किसानों की बात हम करें तो किसान एक स्वाभिमानी किसान यहाँ पर रहता है, भले ही मतलब महाराष्ट्र ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बटा है भूभाग के हिसाब से अगर हम देखें तो। विदर्भ के किसानों की हालत खस्ता है, मराठवाड़ा बीच में अटका हुआ है, जी जी, पश्चिम महाराष्ट्र का किसान बड़ा अमीर है, और जितनी भी किसानों की आत्महत्याएं होती है उसमें कोंकण जीरो है, मतलब कोंकण की अलग किसानों की मानसिकता है, पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों की अलग मानसिकता है। 10 जिलों में किसान अमीर है, 4 जिलों में किसान बड़ा ही स्वाभिमानी है, वो जान नहीं देता है, और 20 जिले ऐसे हैं जहां पे किसानों की हालत खराब है। अब इन्हीं खराब हालत के चलते चलते
देश में किसानों के लिए कुछ ना कुछ प्रदेश में किया जाए, ये मांग बढ़ती जा रही है। अब तक की सरकारों ने कभी लोन माफ करवा दिया है, कभी बिजली की व्यवस्था, बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, कभी कुछ और, जैसे केंद्र किसानों के लिए सम्मान निधि देती है, वैसे महाराष्ट्र में भी उतना ही हिस्सा महाराष्ट्र की सरकार ने देकर अभी अपना और हिस्सा बढ़ा दिया है, ये वाला चल रहा है। लेकिन सारी बातें फ्री लेकर करने की किसानों की आदत नहीं है। ये आदत लगा दो, फ्री की बात कर दो, उनको अपने हवाले कर लो और मनचाहा बात हासिल कर लो, ये वाला एक फंडा केजरीवाल लेके आए, यश नहीं मिला। बाकी पार्टियां लेकर आई, यश नहीं मिला। अब केसीआर लेकर आए हैं, केसीआर फ्री से ज़्यादा पानी वाली बात करते हैं, पानी बहुत मिलेगा, पानी में ये बांध बनवाऊंगा, बिजली तैयार करवाऊंगा, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन फिर वही मामला वहीं पर आके अटक जाता है। जनसंख्या की बात देखो, आबादी का कुल क्षेत्र देखा जाए तो इतनी आबादी के लिए तेलंगाना जैसी व्यवस्था करवा पाना अशक्य प्राय है, वो हो ही नहीं सकता। बस रेवड़िया दे दो और जितने चाहे उतने वोट बटर लो, यही चीज़ केसीआर कर रहे हैं। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ जो करीब 8 जिले आते हैं, यहाँ ज़्यादा प्रभाव किस पार्टी का रहा है और केसीआर के ख़ास तौर से इस इलाके में आने की वजह से क्या उनमें किसी तरह की चिंता है, कोई खलबली है, कोई वो अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं? मराठवाड़ा के 8 जिलों में, जब से मराठवाड़ा का 8 पहले नहीं थे, पहले 6 ही जिले थे, 2 नए बने हैं, उसमें हिंगोली और जालना लातूर से 3 जिले नए बने, पहले 5 ही थे। तो इन जिलों में पहले प्रभाव था कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस ही अपना धाक जमाती थी, कोई कोई किसी पार्टी की तरफ ध्यान भी नहीं देता था, मतलब न जनसंघ ना भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी नहीं लाती थी। उसके बाद मराठवाड़ा में अगर कोई पार्टी पनपी है तो वो है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नेता उभर कर आए शिवसेना से, अभी मराठवाड़ा के सारे नेता उनसे ज़्यादा चले गए एकनाथ शिंदे की तरफ, शिवसेना में चले गए, और बाकी बचे हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ है। जैसे ही शरद पवार ने अपने पार्टी का गठन कर लिया, कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और शरद पवार के पीछे मराठवाड़ा खड़ा रहा। मराठवाड़ा के अधिकतर जिलों में से शरद पवार को बड़ा बल मिलता है, जैसे बीड़ में, बीड़ जिला है मराठवाड़ा का, वो शरद पवार के पीछे बड़े ताकत से खड़ा होता है। परभणी में भी अच्छा बल शरद पवार को मिलता है। आधे जिलों में शरद पवार अच्छे रहे और जहां शरद पवार की पार्टी अपना जोर नहीं दिखा पाई वहां पे पनपी भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनमें सीटें बढ़ गई और बेचारी कांग्रेस छोटी 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 होती चली गई। अब ये हर जगह हो रही है ये यहाँ कुछ नया नहीं, लेकिन प्रदेश वाली पार्टियां दो यहां पर चल रही है, एक है शिवसेना और एक है राष्ट्रवादी। मैं इसलिए इन दोनों पार्टियों का उल्लेख कर रहा हूं कि अगर कोई बाहर वाली पार्टी आती है तो सबसे पहले बिजली की समस्या, पानी की समस्या या किसानों की समस्या, इनसे ज्यादा इन पार्टियों को लड़ना पड़ेगा मराठी किसानों, मराठी आदमी के मुद्दे पर। और एक बात जो हमें सरंजाम शाही कहते हैं ना हमारे मराठी में, जो जमींदार वर्ग होता है, जो बड़ा वर्ग होता है, इनका एक बड़ा रुतबा और बड़ा प्रभाव रहा है मराठवाड़ा की भूमि में जनमानस पर, चाहे कितना भी आप कह लो, एक बड़ा प्रभाव रहा है जमींदार वर्ग का, जो बड़े वर्ग होते हैं, गांव के बड़े तबके होते हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न जाति से हो, लेकिन जो गांव का कारोबार देखने वाले लोग होते हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा है। इनसे भी जूझना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा है कि पहले ही कहा था कि जो VRS के उम्र में हैं वो VRS के साथ जुड़ रहे हैं, किसी फ्लुक में या किसी धारा में आकर एक बार दो बार विधायक बन गए, ऐसे ही लोग जुड़ चुके हैं BRS के साथ, तो इन लोगों को फिर से एक बार ताज़ा करके उस सारी व्यवस्था को ध्वस्त करके यश प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। शायद ये कठिन कार्य ये कर पाएंगे या नहीं पता नहीं है, लेकिन कार्य बड़ा कठिन है ओंकार जी। KCR तो अब आकर के यहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शरद पवार जब यहाँ पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम तक चेंज कर दिया
और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो है जिस तरह की यहाँ राजनीति होती है, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी का जो कैंडिडेट यहाँ से जीता, वो भी इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही जीता, यानी मुस्लिम और जो दलित है, जो बुद्धिस्ट जिनको आप कहते हैं, उनके जो समर्थक हैं वो हैं। तो यहाँ जातिवाद को बढ़ावा दे करके शरद पवार ने बेड़ा गर्क नहीं किया है इस इलाके का? जी बिल्कुल, शरद पवार एक ऐसे खिलाड़ी हैं। कुछ साल पहले मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतरण, नाम विस्तार कहा जाता है, नामांतरण नहीं कहा जाता उसे, मतलब मराठवाड़ा शब्दों को हटाया नहीं गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा नाम किया गया। सबको याद दिला दूं, नई पीढ़ी को याद नहीं होगा, ये जो मराठवाड़ा विद्यापीठ था, यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता था, वो महाराष्ट्र मराठवाड़ा के 8 जिलों के लिए थी, और जब इसका नामांतरण किया गया तो ये बनी मराठवाड़ा के आधे हिस्से के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि उसी वक्त नांदेड़ में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए, हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए लड़ने वाले स्वामी रामानंद तीर्थ जी के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी बना दी। नांदेड़, लातूर और साथ ही साथ परभणी, हिंगोली, इन 4 जिलों को शामिल कर दिया उस यूनिवर्सिटी में। मतलब नाम तो दे दिया लेकिन कार्यक्षेत्र आधा कर दिया। देखिए शरद पवार की राजनीति देखिए, वहां के लोगों को बताया कि हमने तो आपके लिए अलग यूनिवर्सिटी बना दी, अभी आपको क्या दिक्कत है। इन लोगों को बोल दिया कि देखो मैंने नाम बदल दिया, आप जो बरसों से चाहते थे वो मैंने कर दिया। इनकी भी रखी, उनकी भी रखी, ये भी खुश, वो भी खुश। आधा अधूरा नाम विस्तार करके शरद पवार ने दोनों नगरों पर अपने हाथ रख दिए हैं, और यही चाल शरद पवार बरसों से मराठवाड़ा की राजनीति में खेलते आए हैं। मैंने जिस जमींदार या सरंजाम वर्ग का उल्लेख किया ना, वो अब तक सारे के सारे, मैं ये बरसों से कहता आया हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक अमेरिकन संघराज्य है ओंकार जी। जी जी, मतलब संघराज्य बना और उसने राज्य बना लिए, ऐसा नहीं है भारत की तरह। राज्य एकत्र आए, उन्होंने अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया, कुछ अधिकार दे दिए। वैसे इन सारे जमींदारों का पक्ष है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये अपने हित के लिए इकट्ठा आके शरद पवार को नेता मानते हैं। तो इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए शरद पवार हमेशा काम करते हैं और बात दलितोद्धार की करते हैं। ना कभी हुआ है ना कभी होगा, बस भटकाने के लिए, भड़काने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, मराठवाड़ा की अगर राजनीति की बात करें तो अब 2024 का लोकसभा चुनाव कोई बहुत दूर रह नहीं गया है। तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अभी जे न्यूज़ का एक सर्वे भी आया था विधानसभा चुनाव को लेकर के आया था कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसको तो करीब करीब 2/3 बहुमत तक जो है मिल सकता है। मराठवाड़ा की क्या सिचुएशन है? यहाँ चूंकि आप बैठे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ का पल्स क्या कह रहा है मतदाताओं का। देखिए, हम कितने भी 48 लोकसभा सीट, नहीं 6, यहाँ पर 8 है लोकसभा की सीटें जी, और 48 है विधानसभा की सीटें, मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 6 आती है। मराठवाड़ा के हिसाब से देखा जाए तो 2 सीटें ऐसी है जो एक विदर्भ से ली गई है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा क्षेत्र में, और एक पश्चिम महाराष्ट्र से ली गई है, मतलब उमरखेड़ नाम की एक सीट विदर्भ से ली गई है और बार्शी नाम की एक सीट इधर से ली गई है। तो 48 में 2 निकाले जाए तो 46 विधानसभा सीटें मराठवाड़ा में आती है। आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुख से अपनी कुछ जगह निकाल ली है, मतलब जालना तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही है, लातूर भी भारतीय जनता पार्टी को नई मिली है, नांदेड़ जो अशोक चव्हाण की सीट थी, लातूर विलासराव के गढ़ से सीट निकाली है, नांदेड़ वाली सीट अशोक चव्हाण के गढ़ से निकाली है, बीड़ और जालना ये तो बीजेपी का गढ़ रह चुका है, 4 सीटें तो ये हो गई, बाकी जगह पर शिवसेना जीती है, मतलब एक धाराशिव जिसे उस्मानाबाद पहले कहा जाता था
परभणी वाली सीट, ये सारी सीटें ऐसी है जो शिवसेना जीतती आई है। आज भी देखा जाए तो यही कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। मैं आपको बता दूं ओंकार जी कि ये जो हम कॉम्बिनेशन या किसी भी मतलब हम लोग जो एनालिसिस करते हैं या बताते हैं वो इस आधार पर बताते हैं कि कहीं जाके सर्वे करने की जरूरत नहीं होती है। जी जी, अगर हम अभ्यास भी कर ले तो क्या होता है, मराठवाड़ा की 8 सीटों में से, लोकसभा की 8 सीटों में से 2 सीटें ऐसी है जिसमें शहर का प्रभाव है, उन सीटों पर शहर का प्रभाव पड़ता है, नांदेड़ वाली और संभाजीनगर वाली। शहरों में जातिगत राजनीति नहीं चलती है, स्वाभाविक तौर से जीत जाती है बीजेपी। जी जी जी, गढ़ है वो अलग है, जो अपनी अपनी पार्टी के गढ़ है वो अलग है। वैसे ही अगर हम रिजर्वेशन वाली सीट देखें तो हर जिले में एक तो रिजर्व कोटा की सीट है, मुझे एक अपवाद छोड़कर नांदेड़ वाला कहीं भी दिखाइए कि रिजर्वेशन सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस जीती है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब 8 जिले हैं रिजर्वेशन की, महाराष्ट्र में कम से कम 40 सीटें होगी जो रिजर्व कैटेगरी में आती है। जी जी। तो इन कैटेगरी में इनको यश नहीं मिलता है, वैसे ही शहरी इलाकों में भी इनको यश नहीं मिलता है। सारी शहरों को देखे तो यश आपको नहीं दिखेगा। मतलब वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इन 46 जगहों पर, 8 जगहों पर 4 जगह और 46 जगहों पर 17 सीटों पर जीतने ही वाली है। आगे क्या होगा वो, आगे कितना फर्क पड़ता है वो देखेंगे। शिंदे को भी ऐसी ही यश मिलने वाला है। तो 46 में से आधी सीटें तो ये अलायंस जीतेगा और आधा बंटवारा होगा 3 पार्टियों में। अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो उनमें से भी कुछ गलत हो सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी रहेगी भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पे रहेगी शिवसेना शिंदे की, और बाद में तय होगा कि आगे कौन होगा। इसमें नुकसान होगा तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ही ज़्यादा होगा। आपने जो आखिरी सेंटेंस बोला है उसी पर एक सवाल मेरा है, ये उद्धव ठाकरे और इनके जो आसपास के लोग हैं जिनमें संजय राउत जो यहाँ के गंभीर विश्लेषक हैं वो तो संजय राउत के बयानों पर टिप्पणी तक करना जो है उचित नहीं समझते, उनको जोकर बताते हैं। और सबको पता है कि सुबह जब वो अपने घर से निकलते हैं तो कुछ चैनलों के लोग अपना माइक लेकर के खड़े ही रहते हैं उनकी आरती उतारने के लिए, वो जो बोलते हैं फिर दिन भर वही चलता रहता है। तो यहाँ के मीडिया का भी अजीब राग है। पर मेरा सवाल ये है कि जिन वजहों से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, और मामूली नहीं टूटी है, 2/3 MLA टूट गए, 2/3 MP टूट गए, जो इनके पदाधिकारी हैं उनमें भगदड़ मची हुई है, यहाँ तक कि अभी मनीषा कायंदे वो अभी विधान परिषद से टूट करके इधर आ गई हैं शिंदे गुट में, और अब तो विधान परिषद में भी ये सवाल खड़ा हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष किसका रहेगा, NCP का रहेगा या उद्धव ठाकरे की पार्टी का रहेगा, ये एक नया झगड़ा शुरू हुआ है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना बड़ा लॉस जिसकी वजह से उनकी कुर्सी चली गई, MBA सत्ता से बाहर हो गया, उनकी अपनी पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, ये क्या ठंडे दिमाग से सोचने को तैयार नहीं है कि ये सब हुआ क्या, क्यों है, कारण कौन से हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग बगावत करके मूल पार्टी छोड़ करके चले गए, और उस पार्टी से मातोश्री का जो एक रुतबा हुआ करता था उसकी परवाह किए बिना। तो अभी भी जब कायंदे गई छोड़ करके तो संजय राउत क्या कह रहे हैं कि ये सब कूड़ा कचरा है। तो ये जो गाली गलौज की लैंग्वेज है, क्या कभी ये सुधरेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि कौन से बड़े पाप हुए हैं इनसे जिनकी वजह से एक इतनी अच्छी खासी विरासत थी उसको इन्होंने गंवा दिया। पहले तो मैं आपको एक करेक्ट करता हूँ, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए, अब अनुभव ही है, लेकिन जो शब्द करेक्ट करता हूँ, उद्धव की पार्टी टूटी कहा आपने, उद्धव से पार्टी छूटी, अब छूट गई, वो टूट नहीं गई है, छूट गई है, उद्धव के हाथों से निकल गई है।
ये पार्टी ना तो जिन्हें वो गद्दार कहते हैं उनके कारण छूटी है, ना किसी संजय राउत के कारण छूटी है, ये छूटी है उद्धव ठाकरे के हाथों से, उद्धव ठाकरे के ही कारण छूटी है। क्योंकि अपने काम के लिए किन लोगों को लगाना चाहिए ये उद्धव ठाकरे को समझ में आना चाहिए। अगर आप सो रहे हो और मक्खियां उठाने के लिए बंदर को बिठा रहे हो तो तलवार लेकर बंदर आपकी नाक ही काटेगा, वो कहानी है ना पुरानी वाली, तो तलवार लेकर बंदर आपकी नाक ही काटेगा। तो उसी तरह से उद्धव ठाकरे की नाक काटने का काम उद्धव के इर्द गिर्द के लोगों ने ही किया है। मनीषा कायंदे जो निकल कर चली गई है वो खुद उद्धव से नाराज होकर नहीं गई है, उद्धव ने रखे हुए लोगों के कारण नाराज होकर चली गई है। जो सुषमा अंधारे पीठ पीछे से आई और मनीषा कायंदे जैसे जिम्मेवार विधायक पर ही अपना अधिकार जमाने लगी, आदेशित करने लगेगी, तो क्या होगा? सोचिए, जो सुषमा अंधारे महिलाओं पर गलत गलत आरोप लगा रही है, गंदे गंदे शब्दों में आरोप लगा रही है, वो अपनी ही पार्टी के महिलाओं पर उसी तरह के आरोप लगा रही है। सोचिए, कितने दिन हुए आपको मीडिया में नीलम गोरे नाम की एक बड़ी और अच्छी नेता को देखकर शिवसेना का पक्ष रखते हुए। एक सवाल और भी पूछना चाहिए कि चाहे बात गलत हो या सही, लेकिन किशोरी पेड़नेकर जो कुछ ना कुछ तो सामने रखती थी वो कहां गई? किधर है किशोरी पेड़नेकर? कहां है नीलम गोरे? क्यों चली गई मात्रे? क्यों चली गई कायंदे? और जितने भी शिवसेना की महिला नेताएं हैं वो आज कहां पर है? अब सब चीज अगर सुषमा अंधारे चलाने लगी है तो क्या होगा? संजय राउत से चिढ़कर कितने लोग चले गए हैं? उद्धव ने वो आपको स्टोरी मालूम होगी, सरदार जो एक बहुत गंदे आदमी को, बहुत ही गंदे आदमी को रखा गया और कहा गया कि एक गंदे बकरे के साथ कौन रह सकता है, एक शर्त लगी थी, गंदे बकरे के साथ कौन रह सकता है। तो कोई आदमी एक बकरे बकरा रूम में रखा गया, कोई आदमी एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, तीन मिनट के लिए, दस मिनट के लिए रहता था, लेकिन एक गंदे आदमी को अंदर लिया गया, बकरा ही बाहर चला गया, बकरा ही नहीं रह पाया। उसी तरह से शिवसेना के अंदर जितने भी लोग निकल रहे हैं वो शिवसेना में अपनी हो रही बेइज्जती को नहीं सहन कर पा रहे हैं। अब ऐसे हो जाएगा कि सब लोग चले जाएंगे और एक भी अंदर नहीं रहेगा, अंदर बचेंगे सिर्फ उद्धव, जिन्हें अपने खाली मकान में रहना पड़ेगा। ये उद्धव ठाकरे के समझ में नहीं आ रहा है, यही एक दिक्कत है, यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि हम 40 पैसे वाले। ठीक है भाई, अभी आपकी असलियत बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो आईना 40 पैसे वाला लगता है तो क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुलकर्णी जी जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।